ये शुद्ध एयर प्योरीफायर है, SE445 D डिस्प्ले वाला मॉडल है। इसमें सब कुछ टच स्क्रीन है और ये डिस्प्ले है, इसमें सब कुछ दिखता है आपको। ये 450 स्क्वायर फीट एरिया के लिए है। इसको आप 2 BHK का घर है तो आप सेंट्रल हॉल में लगा देंगे तो आपका चलेगा। और ये पोर्टेबल भी है, किचन से इसको उठा के 5.7 किलोग्राम वज़न है तो आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इसमें अभी ये डिस्प्ले दिखा रहा है, ये PM2.5 लेवल दिखा रहा है, ये 25 हो रखा है, ये पहले से चल रहा था। और ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही मोड हैं। यहाँ पे टच स्क्रीन है तो यहाँ से अभी ये ऑटोमेटिक मोड पे चला गया, ये मैनुअल मोड पे चला गया। आप यहाँ पे इसकी फ़ैन की स्पीड, अभी ये 1 पे है, इसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये अभी टॉप स्पीड पे चला गया, ये अभी 4 से 6 सेकेंड्स लेगा और आपका पूरा हॉल, पूरा कमरा जो है उसको पूरा क्लीन कर देगा। इसमें हमने टाइमर भी लगा रखे हैं, ये 2 आवर्स का हो गया, 4 आवर्स का हो गया और 8 आवर्स का हो गया। यहाँ पे नाइट मोड भी है, अगर किसी को लाइट से प्रॉब्लम है तो नाइट मोड में चला दें, मशीन चलता रहेगा, सब कुछ सेम, बस इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये नाइट मोड पे है, ये ऑटोमेटिक मैनुअल हो गया। यहाँ पे हम इस मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर हो गया। ये हमारा सेंसर है जो एयर की क्वालिटी को देख रहा है, ये अभी 20 हो गया, ये ग्रीन है। अगर ये पोल्यूशन होगा, जैसे 46 से ऊपर होगा तो ये रेड हो जाएगा, और ये अपने आप अगर ऑटोमेटिक मोड पे है तो ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसका सिर्फ 25 वाट्स है, जो एक ट्यूबलाइट से भी कम है। इसको आप अपने 2 BHK के घर में लगा सकते हैं आराम से। ये इसका फ़िल्टर है, जो फ़िल्टर कभी रिप्लेस नहीं करने की ज़रूरत है, जो बाकी दूसरी कंपनीज जो हैं उनका एयर प्योरीफायर जो होता है उसमें हेपा होता है, इसमें हेपा नहीं है। इसको आप बस पीछे से फ़िल्टर निकाल के उसको आप हर 3-3 महीने पे क्लीन कर सकते हैं, तो आपको इसमें नया फ़िल्टर खरीदने के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पुराना फ़िल्टर ही आपको, एक फ़िल्टर जो इसमें लगा हुआ है वही 10 साल तक चलेगा। मतलब आपका अगले 10 साल तक आपका एक एयर प्योरीफायर के नाम पर आपका 0 मेंटेनेंस है और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू।